दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ संस्कृत सब्जेक्ट में। और हम बात कर रहे थे एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर इस बुक के बारे में। इस बुक में हमने सेक्शन 6 तक कंप्लीट कर लिया है, आज हम सेक्शन 7 में हैं। तो सेक्शन 7 के अंदर अब तक हमने क्या बात किया, अब तक हमने बात किया कि सिविलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने बात किया कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने बात किया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने बात किया प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, और उसके बाद हमने बात किया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि थ्रेट टू दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो आज की आधुनिक सभ्यता है उसके ऊपर क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या जो है वार्निंग है, क्या क्या जो है खतरा है, क्या क्या खतरा है आधुनिक सभ्यता के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस जो ये बुक के ऑथर हैं इन्होंने 10 या 7 थ्रेट बताए हैं, जिसमें पहला थ्रेट है फूड इनसिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रभाव से। तो सबसे पहले सवाल होता है द वर्ल्ड इज चेंज, आई फील इट इन द वाटर, आई फील इट इन द अर्थ, आई स्मेल इट इन द एयर, मच दैट वंस वाज इज लॉस्ट फॉर नन लव, नन लव नाउ लीव दैट रिमेंबर इट। तो इससे बताया गया है कि जो संसार है वो बदल रहा है, तो बता रहे हैं कि जैसे पानी में मैं इस संसार में बदलाव देख सकता हूँ। कैसे? तो पानी के अंदर बदलाव आ रहा है, यानी कि पानी के अंदर जो क्वालिटी है पानी का वो ख़राब हो रहा है। आई फील इट इन द अर्थ, जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो देख पा रहा हूँ मैं। आई स्मेल इट इन द एयर, मतलब कि हवा में कोई दिक्कत है वो मैं देख पा रहा हूँ। मच दैट वंस वाज इज लॉस्ट फॉर नन नाउ लीव दैट रिमेंबर इट। और बता रहे हैं कि जितना भी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको भाप पा रहे हैं प्रकृति में, और जो भी वो एक समय में था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ये बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला थ्रेट, जो आधुनिक सभ्यता में सबसे पहला जो खतरा है वो है फूड इनसिक्योरिटी का, यानी कि भोजन की कमी है ना, भोजन की कमी, अनाज की कमी। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टार्विंग बिलियंस, अ स्कैंडल फॉर ह्यूमैनिटी। इसे बताया गया है, एक रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अराउंड 950 मिलियन पीपल आर माल नूरिश्ड और स्टार्विंग इन द वर्ल्ड टुडे एंड 1.1 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसे बताया गया है कि 950 करोड़ लोग जो हैं वो अनाज के अभाव में मर रहे हैं या भूखे मर रहे हैं आज के समय में, और 1.1 बिलियन पीपल जो है कम से कम 1.5 अरब लोग जो है वो उनके पास पीने को साफ पानी नहीं है। क्यों? तो आगे बता रहे हैं ऑथर कि अटेंशन ऑफ मैनकाइंड हैज बीन डाइवर्टेड फ्रॉम नेसेसिटीज टू लग्जरीज। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य सभ्यता जो है, मनुष्य समाज जो है, उसका जो है आधुनिक अपने आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान ना होकर उसका ध्यान जो है वो मटेरियल कंफर्ट, जीवन के सुख सुविधाओं के ऊपर ध्यान चला गया है। देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा जो ध्यान है मानव समाज का वो किस चीज़ पे है, तो कार बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, आईपॉड बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, टीवी चैनल बनाने में, लग्जरी यॉट्स बनाने में, कैरिबियन वैकेशंस में, पैलेटियल होम्स में, वीडियो फोन्स में, डिजाइनर क्लोथ्स में, डिजाइनर ड्रग्स में, कॉस्मेटिक सर्जरी में, सो एन एंड सो फोर्थ, विच आर भाइंग फॉर आवर अटेंशन। तो बता रहे कि हमारा ध्यान किधर जा रहा है, हम ज़रूरत पर ध्यान नहीं दे के हम सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इसके कारण जो है आज भोजन के ऊपर संकट आ गया है, आज अनाज के ऊपर संकट आ गया है, आज करोड़ों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, भोजन के अभाव में मर रहे हैं। इन US अमेरिका में बता रहे हैं कि केवल 1% जो लोग हैं वो आबादी जो है वो
खेती कर रही है, बस 1% लोग, मतलब 99% लोग खेती नहीं कर रहे हैं, 99% लोग खा रहे हैं और 1% लोग खिला रहे हैं। एग्रीकल्चर एवरीवेयर एल्स ऑल्सो इज प्रीटी मच निगलेक्टेड अफेयर, द रिजल्ट इज सीरियस ग्लोबल फूड क्राइसिस। बताया जा रहा है कि खेती को निगलेक्ट कर दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके कारण जो है फूड क्राइसिस, अनाज का अभाव हो गया है। उसके बाद बात करते हैं फूड क्राइसिस लूम्स ओवर 33 नेशंस। तो इसे बता रहा है कि 33 कंट्री जो है, ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज, वो भोजन के अनाज के, अनाज का कमी उछेल रहे हैं। जो जर्मन फूड रिलीफ ग्रुप है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वार्न्ड किया गया है, वार्न्ड अगेंस्ट नेगलेक्टिंग द फेट ऑफ स्टार्विंग पीपल अमिडस्ट द करेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। उन्होंने जो निगलेक्ट किया गया है लोगों को, भूखे लोगों को, एट द कॉस्ट ऑफ बॉडली लग्जरीज, सुख सुविधाओं, कुछ लोग सुख सुविधाएं के चक्कर में इन लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं जो लोग भूखे मर रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि एनुअल ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बताता है कि 88 कंट्री जो है वो वहाँ पे अनाज का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। 33 कंट्री के बारे में बता चुका हूँ कि जहाँ पे एशिया अफ्रीका के ज़्यादातर जो कि भोजन के कारण, अनाज के कारण बहुत ही कष्ट झेल रही है। उसके बाद अफ्रीका में बी एबल टू फीड ओनली 25% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बाय 2025। तो इसमें बताया गया है कि अफ्रीका में जो फूड सप्लाई की कमी है, उसके कारण एक्सपर्ट्स जो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि अल्जीयर्स अफ्रीका में बी एबल टू फीड जस्ट 25% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बाय 2025 इफ सॉइल डिग्रेडेशन ऑन द कॉन्टिनेंट कंटिन्यूज एट इट्स करेंट पेस। बता रहे हैं कि अफ्रीका में जो है 25% आबादी को ही केवल भोजन मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है, जो खेती करने का जो जमीन है, वो खराब हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ पे अनाज नहीं उपज रहा है, जमीन बंजर होता जा रहा है। कार्ल हार्मनसन, डायरेक्टर ऑफ यूएन यूज घाना बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, जो है कार्ल हार्मनसन है, जो कि डायरेक्टर है यूएन यू के घाना बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, वो कहते हैं कि अगर मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट है, मिट्टी का जो कंडीशन है, जो उसका व्यवस्था है, उसका जो है, वो अगर धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है, अगर वो धीरे धीरे करके गिरते जा रहा है अफ्रीका के अंदर, मिट्टी का जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होगा, तो बहुत भोजन की बहुत कमी होगी। 75% ऑफ द कंटेंट वुड कम टू रिलाई ऑन शॉर्ट सम सॉर्ट ऑफ फूड। तो बता रहे हैं कि 75% जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 75% जो है अनाज की उपज नहीं हो पाएगी, ऐसे कारण 25% लोगों को ही खाना खिला पाएंगे। हार्मनसन्स कमेंट्स कम एज सम 200 डेलीगेट्स फ्रॉम 25 कंट्रीज कन्वीन एट December 17-19 मीटिंग इन अल्जायर्स टू डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, अ थ्रेट दैट पुट्स एन एस्टिमेटेड 2 बिलियन पीपल एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज। तो इसमें बता रहे हैं कि 2 बिलियन लोग जो है वो, उनको छोड़ना पड़ेगा वो जगह पे, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन नहीं मिल पाएगा, उनको अनाज नहीं मिल पाएगा। और यूनाइटेड नेशन वार्न करता है, सावधान करता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिचुएशन को और ख़राब करेगा, जिसके कारण लोग जो है वो पानी की कमी को झेलेंगे। और क्रिश्चियन एड जो है वो बताता है, एस्टिमेट लगाया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, जिसके कारण 142 मिलियन लोगों का मृत्यु हुआ अफ्रीका के अंदर।
और 750 मिलियन 750 लाख लोग भूखे अमेरिका और अफ्रीका और एशिया में रहेंगे। दस लूमिंग डेजर्टिफिकेशन कुड स्पॉन मिलियंस ऑफ एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज। तो इसके कारण डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो जमीन है वो बंजर बनता जा रहा है, रेगिस्तान बनता जा रहा है, और इसके कारण जो है बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना भोजन है ना पानी मिल रहा है। फूड रैशनिंग कन्फ्रंट्स यूएस द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। मेनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका फूड रैशनिंग कन्फ्रंट्स द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे जगह पे जैसे कि अमेरिका में फूड रैशनिंग जो होता है, मेजर रिटेलर्स जो हैं कंट्री में उनका जो परचेज है वो लिमिटेड कर दिया गया है, वो पाबंद लगा दिया गया है उनके खरीदने पे। जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो फ्लोर, आटा, चावल, तेल जो है ये इसके ऊपर कमी कर दिया, पाबंदी लगा दिया गया है। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स पैनिक बाइंग एंड होर्डिंग स्टॉक्स। अमेरिका के कई देशों में अमेरिका के कई शहरों में जो है 2008 के समय में फूड रैशनिंग यानी कि अनाज खरीदने के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया कि इतना ही खरीद सकते हैं, और पैनिक हो गया था कस्टमर्स के बीच में। अनाज का कमी हो गया था, राइस चावल के अभाव, चावल का भी कमी हो गया था वहां पे। केवल एक बैग, एक व्यक्ति को एक बैग अलाउड था, इसके कारण वहां पे बहुत कमी, वहां बहुत दिक्कत हुआ। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीजों में लिमिट्स लगाया गया, उनको पाबंदी लगाया गया, जैसे कि तेल है, आटा है, और बेकरी के सामान जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, उसमें कमी किया गया, उसमें पाबंदी लगाया गया। उसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक है, मॉन्स्टर ऑफ कमर्शियल फार्म्स राइजिंग आउट ऑफ एसेस ऑफ स्मॉल फार्म्स। इसे बताया गया है कि फार्मिंग का जो है कमर्शियलाइजेशन हो गया, जिसके कारण जो है बहुत सारे ट्रेडिशनल फार्मर्स को दिक्कत होने लगा। जो कमर्शियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ कि प्रोडक्शन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और ये ध्यान नहीं दिया गया कि उस खेत में, उस एरिया सेक्टर में कितने जो हैं प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, कितने जो हैं अनाज उपजाए जा सकते हैं, उसे अधिक उपजाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचुरल ग्रोथ था अनाज का, वहाँ पे केमिकल डाल के अनाज उपजाने की कोशिश की गई थी कमर्शियलाइजेशन के कारण। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लिस्ट जो हैं वो किसानों को बोलते हैं कि आप ये केमिकल यूज कीजिए, फर्टिलाइजर्स यूज करके लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस कीजिए और हमें बेचिए। इसी कारण जो है वहाँ के मिट्टी में, जमीन में फर्टिलिटी रेट घटा सॉइल का, जिसके कारण जो है क्रॉप्स की क्वालिटी में कमी आई। और इसके अलावा बताया गया है कि
जो लार्ज स्केल फार्म्स थे, जो बड़े 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 खेत थे, बड़े बड़े खेत में क्या होता था कि जो है लोग जो है वो जो सामान था, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो अपने सामान को मार्केट कर रहे थे बड़े बड़े लार्ज आउटसाइड कम्युनिटी में, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मार्केट में बेच रहे थे, मतलब वो छोटे छोटे मार्केट्स में नहीं बेच रहे थे, जिसके कारण जो है जो छोटे छोटे मार्केट्स थे वो उनको दिक्कत हो रहा था। फैक्ट्री फार्म्स के कारण जो है फैमिली फार्म्स का डिक्लाइन हो गया। लोग जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री ने खेतों के ऊपर कब्जा किया और अपने जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से अनाज को उपजाने की कोशिश कर कर करके वहाँ पे जो है फर्टिलिटी रेट को कम किए सॉइल के, और इससे जो है आगे चल के बहुत दिक्कत हुआ। इसके बाद आता है राइजिंग टेम्परेचर्स, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। इससे बताया गया है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये एक कारण है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो क्रॉप इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बता रहे हैं कि टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस से इससे क्या होगा, 1 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, खेती के समय में, तो 10% डिक्लाइन होता है ग्रेन यील्ड्स में। जो ग्रेन का यील्ड है, जो उसका खेती का उपज है, उसमें 10% डिक्लाइन होता है 1% अगर टेम्परेचर राइज होता है। तो राइजिंग टेम्परेचर से जो है क्रॉप का जो क्वालिटी है वो कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है कि इंडिया में जो गेहूं का खेती था 2007 में वो ड्रॉप हुआ 73 मिलियन टन से 68 मिलियन टन ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्रॉप्स क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी फरवरी में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है 73 मिलियन टन अनाज निकलने वाला था, लेकिन 68 मिलियन टन निकला, मतलब कि 5 मिलियन टन का नुकसान हुआ। इसके बाद बताया जा रहा है कि ग्रेट व्हीट पैनिक ऑफ 2007, इसमें क्या हुआ, 2007 में इंडिया में 8 लाख टन जो है गेहूं जो है परचेज किया गया इंटरनेशनल मार्केट में। दिस पैनिक परचेज एडेड टू व्हाट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स आर कॉलिंग द ग्रेट व्हीट पैनिक ऑफ 2007। ये एक पैनिक बताया जाता है, एक मतलब जो गेहूं का प्राइस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था 2007 के में, 2007 में इंडिया में। और इसका कारण जो है कम उपज हुआ, और कम उपज होने के कारण जो है बहुत हाई प्राइस में बिका, और कारण क्या था, कारण था पुअर वेदर एंड क्रॉप डाइवर्सन। और बताया गया कि न्यू दिल्ली जो है वो $10.64 पर बुशल दिया, जबकि सितंबर 2006 में प्राइस था $4.22 बुशल था। तो ये फुल पैनिक मोड था, मतलब खतरा मुसीबत था। इजिप्ट एंड इराक जो है वो भी जो लार्ज परचेज किया, लार्ज बहुत बड़े अमाउंट में खरीदारी किया, क्योंकि कम था स्टॉक, कम था गेहूं का उपज, कम हुआ था अनाज के कमी कारण, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बड़े बड़े महंगे दामों पे बिक रहा था गेहूं। और इसके बाद बताया जा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो
जो था वो अभी क्या हो रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी विटनेस कर रहा है, अभी जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया गया था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण एक नुकसान भी हुआ कि जो सॉइल है जो वो अब धीरे धीरे ख़राब हो रहा है केमिकल के एक्सेसिव यूज के कारण, फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज के कारण, जो मिट्टी है उसकी जो उपज क्षमता है, जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी रेट है वो ख़त्म हो रहा है, फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है ज़मीन की, मिट्टी की। और इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन रेट था वो कम हो रहा है, धीरे धीरे रेट घटते जा रहा है। पैनिक इनवीट करके एक एडिटोरियल भी छपा था बिजनेस लाइन में मार्च 20 2007 में। और ये बताया जा रहा है कि 8500 करोड़ का फूड सब्सिडी के साथ साथ 3400 करोड़ रुपया जो है इंपोर्ट में एक्सपोर्ट कर, 5 मिलियन टन इंपोर्ट में जो है इंडिया को खर्च करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया को बाहर से जो है 3400 करोड़ रुपया का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके गेहूं बाहर से इंडिया में आएगा। इसके बाद कारण जो बताया गया है जैक्स डियोफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया है कि प्राइस इसलिए इतना बढ़ रहा है वीट कॉर्न मिल्क पे क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, बहुत लगातार बाढ़ आ रहा है जिसके कारण खेती बर्बाद हो रहा है, ड्राउट्स सूखा पड़ जा रहा है, कलयुग सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण बायोफ्यूल इंडस्ट्री एपेटाइट फॉर ग्रेन्स, बायोफ्यूल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, बायोफ्यूल इंडस्ट्री जो है वो अनाज को यूज कर रही है फ्यूल के लिए, गाड़ी दौड़ाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए अनाज को यूज करती है। इसके बाद बात करते हैं पिक ग्रेन, फॉरगेट ऑयल वरी अबाउट फूड। पिक ग्रेन में क्या है, तो ऐसा बताया गया है कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा अनाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, इसको पिक ग्रेन्स बोलते हैं। तो इसे बताया गया है कि हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, खेती पे निर्भर करती है, लेकिन इसको इग्नोर करके लोग जो है शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम कंबस्शन एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी डज नॉट रिड्यूस द नीड फॉर समवन समवेयर टू ग्रो द फूड दैट ऑल ऑफ अस ईट। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस ना करके हम ग्लोबलाइजेशन फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी फोकस कर रहे हैं और मेन चीज़ को छोड़ रहे हैं भोजन, खेतों को तबाह कर रहे हैं। पीक ऑयल एंड क्लाइमेट चेंज आर नो लॉन्गर डिस्टेंट कंसर्न्स बट आर द रियलिटी ऑफ डेली इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और पीक ऑयल प्राइसेस पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद जो पीक ऑयल थ्रेटन्स टू रिमूव की एनर्जी इनपुट्स फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज स्टार्टिंग टू डिस्टर्बलाइज ग्रोइंग कंडीशंस दैट मेक लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन पॉसिबल। उसके बाद बताया गया है कि जो संसार में फार्मर्स की कमी हो रही है जिसके कारण इनफ सफिशिएंट अमाउंट में अनाज नहीं उपज रहे हैं ताकि हम संसार को खिला सकें। और बताया जा रहा है कि 15,000 लोग 10 साल के अंदर 15,000 लोग जो है भूख के कारण मरे हैं, केवल भूख के कारण। तो हम देख रहे हैं कि कोई देश जो है वो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट फोकस कर रही है और इस मेन मुद्दे को निग्लेक्ट कर रही है, और कई देश जो है
इसका अभाव में त्रस्त हो रही है, भूखे मर रही है, जैसा कि हम देख चुके हैं अफ्रीका और एशिया इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड कप बोर्ड है 47 डेज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स। इसमें बताया गया है कि जैसे ही शॉर्टफॉल होता है, व्हेन देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस इन एनी गिवन ईयर, इट्स पॉसिबल टू डिप इनटू इंटरनेशनल कपबोर्ड और रिजर्व ऑफ ग्रेन्स। बताया गया है कि जब भी फूड प्रोडक्शन में कमी आता है तो जो स्टोरेज फूड है उससे जो है हम जो है काम चलाते हैं। तो इसे बताया गया है कि ये सब क्यों होता है, ये क्यों इतना जो है प्रोडक्शन में कमी आता है। तो सर एक कारण बताया गया है यहाँ पे कि नेस्टी एग्रीकल्चर पॉलिसी, जब एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जो एग्रीकल्चर जो खेती का नियम नीति बनाया गया है वो नेस्टी है, वो सही नहीं है, वो और इसमें बताया गया है कि कैसे तरीका बनाया गया है नीति के अंतर्गत कि कैसे प्राइसेस बढ़ा सकें हम अनाज का, ताकि हम फार्म सरप्लसेस से रीड हो सकें, मतलब फार्म सरप्लसेस जो खेती का जो खर्चा है उससे कैसे बच सकें। और इसमें ये कंसर्न नहीं बताया गया है कि हम लोगों को कैसे फीड करें, इसमें बस ये कंसर्न बताया गया है कि कैसे हम फार्म सरप्लसेस से जो अनाज खेती की जो खेती के ऊपर जो खर्चे हैं उससे बच सकें। और बताया गया है कि जो जितने भी अनाज रखने के लिए जो रिजर्व बनाए गए हैं, जितने भी अनाज रखने के लिए जो टैंक हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोरेज, वो सब जो है लोएस्ट पॉइंट पे है अभी अर्ली 1970s में। और बताया गया है कि इन कपबोर्ड में ये जो स्टोरेज हैं इनमें इतना भोजन है कि 57 दिन तक, यानी कि लगभग 2 महीने तक लोगों को हम भोजन खिला सकते हैं। और ये बताया गया है कि लोगों को 2 महीने तक बचा सकते हैं हम लोग, अगर सूखा पड़ जाता है, अगर कीड़े अटैक करते हैं खेती में, या फिर किसी प्रकार से जो है फार्मिंग में किसी प्रकार से कमी आता है, तो 57 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक लगभग हम लोगों को भोजन खिला सकते हैं कपबोर्ड के माध्यम से, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक। इसके बाद बताया गया है ऑस्ट्रेलिया Going down on droughts. Australia is one of the major producers of food. And recent years reports suggest falling food production. Australia जो है वो food produce करता है बहुत बड़े amount में, लेकिन हम देख रहे हैं कि Australia में भी जो है अभी सूखा पड़ रहा है, वहाँ भी अभी जो है production rate जो है घट रहा है, धीरे धीरे food production rate जो है घट रहा है। Latest report जो government forecasting का आया है, forecasting body का, ये बताता है कि विंटर क्रॉप्स जो है वो सीवर ड्राउट के कारण जो है नहीं हो पा रहा उपज। तो रेनफॉल की कमी के कारण, ड्राउट होने के कारण जो है जो वर्ल्ड फूड स्टॉक है उसमें भी कमी आ गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन करता है फूड का, वो नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट टर्म फ्रिवोलस अप्रोच टू द क्राइसिस अ केस स्टडी। इसमें अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शॉर्ट टर्म फ्रिवोलस अप्रोच टू द क्राइसिस अ केस स्टडी। इसमें बताया गया है कि आवर शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन आंसर टू द फूड क्राइसिस, इरेस्पॉन्सिबल एंड फ्रिवोलस पॉलिटिकल मैन्यूवर्स। इसमें बताया गया है कि हमारे जो
नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो उनका जो विजन है वो बड़ा नहीं है, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड हैं, बहुत ही नैरो माइंडेड हैं। वो लोग केवल कुछ समय के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा लंबे समय के बारे में नहीं सोचते हैं। और उनका जो फ्रूट क्राइसिस के प्रति जो आंसर्स होता है, जो बिहेवियर है, वो बहुत ही लापरवाह है, और बहुत ही मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो जो है कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इस सब चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आंध्र प्रदेश इंडिया का बात करें तो यहाँ पे फार्मर्स का हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे जो किसान है उनका हालत बहुत ख़राब है आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, फार्मर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो ये बताए हैं, ये एक सोल्यूशन दिए रहे हैं कि 2 रुपये किलो राइस स्कीम का एक स्कीम लेके आए। और बता रहे हैं किस प्रकार से जो है राजनेता जो है लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से इन सब चीज़ों में अपने पॉलिटिकल फायदे को देखते हैं, वो अपने जो है राजनीतिक फायदे को देखते हैं केवल, और उनको किसानों की चिंता नहीं है। और उन्होंने सब्सिडी लगा के जो है लोगों को 2 रुपए किलो चावल ऐसे करके बेच रहे हैं, लगा दिया है इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन आता है तो वो ऐसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो स्कीम है दो रुपए किलो राइस स्कीम जो है वो फेच रिच पॉलिटिकल डिविडेंड्स एज पोटेंशियल वोट ग्रैबर, ये वोट पाने का एक तरीका है, जनता को सस्ते में अनाज बेचेंगे ताकि वो वोट दे। और बता रहे हैं कि वो जो राइस था, वो जो राइस का पैकेट है, वो राइस का बैग है, वो केवल उन लोगों को दिया जाए जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, यानी कि केवल उन लोगों को दिया जाए जो उनको वोट देते हैं, बाकी और ओपन मार्केट में राइस नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल नेता जो हैं वो लोगों का फायदा उठाते हैं केवल और केवल अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए। इसके अलावा इनको कुछ भी लेना देना नहीं है किसानों से। उसके बाद बात करते हैं फूड रायट्स, द वर्स्ट फूड क्राइसिस इन 45 ईयर्स। 2008 के अंतर्गत जो है पूरे संसार में फूड रायट्स हुआ, फूड के ऊपर रायट्स हुआ, दंगा हुआ, वो अनाज के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, इजिप्ट में, कैमरून में, फिलीपींस में, बर्किना में फासो, आइवरी कोस्ट में, मॉरिटानिया में, सेनेगल में, और एक बार एक सेनेगलिस में एक डेमोन्स्ट्रेटर, एक प्रोटेस्टर बताता है कि हम जो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए, हमें अनाज चाहिए, हमें काम करना है, हम भूखे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून जो है वो लोगों को दबाने के लिए टास्क फोर्स भेजता है, और इसको दबा दिया जाता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इस फूड क्राइसिस को बताता है कि सबसे वर्स्ट फूड क्राइसिस है 45 साल में।
और इसको बोलता है कि ये एक तरह से सुनामी है, साइलेंट सुनामी बोलता है इसको, जो कि करीब करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को भूख के चपेट में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ले लिया जाएगा। और फूड राइट्स के कारण जो है हैती में 6 लोग मरे, 100 सैकड़ों की संख्या में लोग जो है इंजर्ड हुए, जख्मी हुए। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे जो है वो दूध नहीं पी पा रहे थे अपने माँ से, क्योंकि वो माँ जो है उनके जो दूध प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भोजन का इतना अभाव हो गया था। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ 1946 के अंतर्गत, पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस हुआ। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटियर्स स्क्वीज बिलियंस आउट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल फूड क्राइसिस। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जो जियांट एग्री बिजनेस है, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल बिजनेसमैन हैं, वो फूड क्राइसिस में भी अपना प्रॉफिट, अपना जो है आमदनी उनका जो है उसी रेट से बढ़ रहा था। क्योंकि वो गरीबी का फायदा उठा रहे थे, वो बड़े महंगे महंगे दाम में चीज़ों को बेच रहे थे। वर्ल्ड बैंक बताता है कि 100 मिलियन पीपल जो है वो भूख से उस समय तड़प रहे थे, भूखे थे। 100 मिलियन लोग करीब करीब 1 करोड़ से अधिक लोग। और इसमें भी इस भयानक फूड क्राइसिस में भी जो बिजनेसमैन थे वो महंगे महंगे दाम पे अनाज बेच रहे थे। और बता रहे हैं कि इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि $1.44 बिलियन से $2.22 बिलियन, इतना डबल। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे, मोसैक कंपनी हो गया, मोन्सोटैनो और भी बड़े बड़े कंपनी थे, वो इस क्राइसिस में काफ़ी जो है प्रॉफिट ले रहे थे, बहुत काफ़ी आमदनी, काफ़ी फायदा हो रहा था इनको। और फर्टिलाइजर्स बेचने वाले कंपनी भी जो है अपना दाम को 3 गुना बढ़ा चुके थे। ताकि हार्वेस्ट क्वालिटी, जो फूड का क्वालिटी, क्रॉप्स का क्वालिटी, क्रॉप्स का जो उपज है बढ़ा सके। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है उसका, बताता है कि 37 डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अभी अर्जेंट नीड ऑफ फूड, उसको फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। और फूड रायट्स, जो भोजन के वजह से आंदोलन, दंगे हो रहे हैं, वो पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी में हर जगह हो रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर बर्किना फासो तक, चाइना से लेकर कैमरून तक, उज्बेकिस्तान से लेकर यूनाइटेड अरब इमीरेट्स तक। इसके बाद बताया, एक जगह बताया जा रहा है कि जो फूड का प्राइसेस और फर्टिलाइजर का प्राइसेस जो है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग जो है इंडिया में और चाइना में जो है लोगों का मीट खाने के लिए जो झुकाव था, और एक पाउंड बीफ के लिए जो है 21 पाउंड का ग्रेन का जो है उनको खिलाना पड़ता है। अगर हमको 1 पाउंड मीट चाहिए, 1 पाउंड बीफ चाहिए, हमें 21 पाउंड जो है ग्रेन का उपज करना होगा, तब जाके हम 1 पाउंड मीट का स्वाद ले पाएंगे। तो इस कारण भी फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया था।
वर्ल्ड फूड स्टॉक्स एट रिकॉर्ड लोज, एक्सपोर्ट्स बैंस एंड ड्राउट इन ऑस्ट्रेलिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू क्राइसिस, बट एक्सपर्ट्स आर आल्सो फिंगरिंग फूड स्पेकुलेशन। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्सपोर्ट में बैन कर दिया था, भोजन बाहर, अनाज को बाहर नहीं भेजा जा रहा था। इसके बाद रशिया के बात करते हैं, मॉस्को कंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन। रशिया जो है वो पांचवा ऐसा देश है जो कि बहुत ही बड़े अमाउंट में गेहूं को बाहर भेजता है, वीट एक्सपोर्टर है। इज कंसर्न्ड अबाउट राइजिंग लोकल ब्रीड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड इज कंसिडर्ड अ बैन ऑन सीरियल एक्सपोर्ट्स एंड मूव डेट एक्सपोर्ट। तो इसने जो है वो गेहूं पे रोक लगा दिया था एक समय, या फिर महंगे दामों पे बेच रहा था। या फिर जो एक्सपोर्ट था उस पर बहुत हाई टैरिफ लगाया हुआ था, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर टैक्स लगाया गया था, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया गया था। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड फूड क्राइसिस फॉलोज डिकेट्स ऑफ इम्पोज्ड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। इसे बताया गया है कि कि इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन एरा में कंट्री जो है वो एक दूसरे को कंपीट करने के लिए एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर देता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना देता है, जिससे जो है नेशन, एक देश दूसरे देश पे निर्भर हो जाता है अनाज के लिए। और इसके वजह से काफी दिक्कत हुआ। इंपोर्ट डिपेंडेंसी मैटर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इज डेथ नेल फॉर अ नेशन, डेथ नेल बन गया ये, एक तरह से जानलेवा बन गया। 19 मिलियन टन और लेस देन पास्ट 5 इयर्स टाइम grains producer annually is required to ensure that dietary needs are met globally. बताया गया है कि 4 millions बहुत सारे लोगों के लिए 10 bushels of grain per capita in the food chain भी कम है, मतलब इतना कम अनाज उनको मिल पाता है। और उसके बाद बात करते हैं, प्रोडक्शन इज बिलो 1980s लेवल ऑफ यूज, इंडिकेशन ऑफ जस्ट हाउ लॉन्ग एनुअल ग्रेन्स आउटपुट इज दैट प्रोडक्शन इज बिलो द एवरेज यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ 1980s। बताया जा रहा है कि ग्लोबल ग्रेन्स आउटपुट ऑफ अबाउट 1900 मिलियन टन्स अ ईयर means that annual grains output is dropping below the level of yearly global grains utilization for direct human consumption, livestock feed, seed and all other users. जो 19 मिलियन टन a year जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, ग्रेन एनुअल ग्रेन आउटपुट जो है वो घट रहा है ना, बताया गया है इसमें। प्रोडक्शन रेट जो है धीरे धीरे वर्ल्ड में घट रहा है, इसमें बताया गया है। सेल्फ सफिशिएंसी से डिपेंडेंसी पे चला गया, बहुत सारे देश जो है वो पहले खुद प्रोड्यूस करता था लेकिन अब जो है वो दूसरे देश पे निर्भर हो गया है। उसको बताया गया कि डिक्लाइन इन नेशनल फूड सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब दूसरे देश पर निर्भर होता है, होता जा रहा है भोजन के लिए, खाने के लिए। 30 नेशंस नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम ने बताया है कि
जो है फूड सेफ सोसाइटी उसके पास है, बट लेकिन 1990 में ये फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो है, फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो 27 ईयर पीरियड में सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन फूड सेल्फ सफिशिएंसी ओवर द पीरियड ऑफ 27 ईयर पीरियड। इन 1963 मेक्सिको वाज 100% सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन्स आउटपुट। 1963 में बताया गया है कि मेक्सिको जो है 100% सेल्फ सफिशिएंट था ग्रेन आउटपुट में, ग्रेन एक्सपोर्टिंग नेशन था, लेकिन 1990 में बताया गया है, 1963 में 100% ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन 1990 में मेक्सिको जो है केवल 79% सेल्फ सफिशिएंट रह पाया, यानी कि अब वो ग्रेन इंपोर्ट भी कर रहा है और अभी सिचुएशन और खराब हो गया है। और हर जगह ब्राजील में, कोलंबिया में, अफ्रीका, इजिप्ट, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह जो है इम्पोर्ट पे लोग इम्पोर्ट करने लगे। पहले 100% सेल्फ सफिशिएंट थे, जबकि अब इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए दूसरे पे फूड के लिए। ग्रोइंग डिसइंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, बताया जा रहा है कि 70% जो है एग्रीकल्चर वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर था। 1963 में 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इस 30 साल के अंतर्गत वर्ल्ड फूड इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी एंड पुअर डाइट्स होने कारण 58% पे आ गया है। 70% लोग पहले एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, लेकिन अब 58% पे वो रेट आ गया है। और लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। यूएस का बात करें तो 5% से 3% पे आ गए हैं 1963 से 1990 के बीच में। उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ गया है वो है फार्मर सुसाइड, इंडिकेशन ऑफ अ फॉलिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो है, एग्रीकल्चर का जो जिस तरह से धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेक्टर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसके कारण जो है फार्मर्स में, किसानों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसके कारण जो है फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं फार्मर कम्युनिटी में। हम देखते हैं हर दिन राष्ट्रीय अखबारों में भी ये समाचार आता है फार्मर सुसाइड के ऊपर। इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, सस्टेन ओवर 2.4% ऑफ लैंड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द ओनली लाइवलीहुड ऑफ टू द 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन विच गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द 57% वर्कफोर्स। बताया जा रहा है कि जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और 57% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हैं, खेती से पैसा कमाते हैं। एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल देता है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज को। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में इंडिया में सुसाइड, फार्मर सुसाइड रेट बढ़ने लगा। इंडिया में जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे थे। पहला, सबसे पहला स्टेट जहां सुसाइड रेट हुआ, सुसाइड हो रहा है, वो महाराष्ट्र है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मनी लेंडर्स जब जमींदार हैं वो परेशान, उनके वजह से सुसाइड हो रहा है, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। वो जो कर्ज लेते थे वो अनाज का नुकसान होता था उनको। और उसके अलावा स्वास्थ्य भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसके कारण जो है वो अंतिम, उनके पास जो समस्या का समाधान था वो था सुसाइड, आत्महत्या। और प्रॉब्लम इसका एक और कारण ये भी है कि बैंक भी सपोर्ट नहीं कर पाता था उनको, और मौसम के कारण भी, और मार्केट में जो प्राइस का घटना बढ़ना था अनाज का, उसके कारण भी जो है उनको दिक्कत होता था।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 70 मिलियन किसान, 17 मिलियन यानी कि करीब करीब 7 करोड़ लोग जहां किसान है, वहां पे हर 1 लाख में 10 जो है वो सुसाइड करते हैं। दिस इज हायर देन टोटल नेशनल सुसाइड रेट। ओवर 16,600 फार्मर कमिटेड सुसाइड इन 2007 में 16,600 फार्मर सुसाइड किए, विच वर्क आउट टू सुसाइड्स एवरी आवर, मतलब हर एक घंटे 2 सुसाइड हो रहे थे। मतलब 1997 से 2007 के बीच में 182,936 सुसाइड हो चुके हैं किसानों का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लैप्सेस लीडिंग टू क्रोनिक हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, अ केस स्टडी। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे अनाज की उपज होने के बाद भी द फूड फेल्स टू रीच द नीडी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन एनोमलीज। वो जो है ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होने के कारण जो है वो कभी कभी रास्ते में ख़राब हो जाता है। जैसे कि अफ्रीका में बताया गया है कि करप्शन और वार के कारण जो है भूखे लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पाता है। और इंडिया में भी, भारत में भी जो है फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है यहाँ पे भी। इंडिया में हमारे पास फूड स्टोर करने के लिए भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि बफर स्टॉक यानी कि जो अनाज होता है उसको स्टोरेज कंटेनर्स है हमारे पास, जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा अनाज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो इसके कारण जो है हम अनाज को बर्बाद होने से काफ़ी हद तक बचा पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिमिक्सिंग न्यूट्रिशन एंड डिमिक्सिंग ऑफ फूड्स। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भोजन जो अनाज है उसका न्यूट्रिशन जो है कैसे डिमिनिश होता है, ख़त्म होता है। डीनेचर्ड ऑफ फूड्स का मतलब है कि जब जो अनाज है वो जो मैन्युफैक्चर होता है उसका ब्लीचिंग होता है, कैनिंग होता है, कुकिंग होता है, प्रिजर्विंग होता है, पिकलिंग होता है, तो इसमें इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें इसमें जो है उसका जो फूड का न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। नेचुरल जो था वो न्यूट्रिशन वो धीरे धीरे कम हो जाता है कहीं ना कहीं पैकेजिंग में, प्रोडक्शन में, प्रिजर्विंग में, ब्लीचिंग में, कैनिंग में। इस प्रोसेस के थ्रू जब वो फूड आइटम आता है कंज्यूमर तक तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू अपना खो देता है। इन द म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सॉइल डेफिशिएंसी ऑन प्लांट लाइफ, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल डेफिशिएंसी ऑन प्लांट लाइफ, किस प्रकार से जो है मिट्टी की जो उपजता है उसके कारण जो है प्लांट के लाइफ में कितना क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव है, ये एग्जीबिशन में बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि दीज प्लांट्स ऑल ऑफ द सेम काइंड वेयर रियड इन सॉइल्स लैकिंग सम एलिमेंट।
कि इन प्लांट्स में एक प्रकार का एलिमेंट का कमी मिला, क्योंकि सॉइल में जो है डिग्रेडेशन आ गया था, सॉइल क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ गया था। और एक ही तरह का प्लांट था लेकिन सबका ग्रोथ का ग्रोथ अलग अलग हुआ, किसी को 3 इंच से लेकर 18 इंच तक का डिफरेंस मिला। तो ये भी एक कारण है कि सॉइल में जो मिट्टी है उसमें कमी आने के कारण जो है फूड में भी कमी आएगी, जो जो क्षमता है भोजन की, जो क्वालिटी है अनाज की, उसमें कमी आएगा। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से फूड के क्वालिटी में धीरे धीरे डे बाई डे फूड के क्वालिटी में धीरे धीरे कमी आ रहा है। हमारा जो दूध है वो भी पाश्चराइज होता है, कंडेंस्ड होता है, इवेपोरेटेड होता है, बॉइल्ड होता है। हमारा शुगर है वो भी क्रिस्टलाइज होता है, रिफाइंड होता है। ब्लीच्ड सैप ऑफ कैन, ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स रिमूव्ड फ्रॉम इट। आवर सीरियल्स, जो अनाज होता है, दाल होता है, वो भी क्रैक्ड होता है, रोल्ड होता है, हैमर्ड होता है, फिटेड होता है, कर्ल्ड होता है, फ्लैक्ट होता है, आयरन रोस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्ट ट्वाइस रोस्टेड, बॉइल्ड होता है। तो हर तरह से न्यूट्रिशियस अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ख़त्म हो जाता है अनाज का, हर चीज़ में, दूध में है, चीनी में, अनाज में, दाल में, गेहूँ में, वीट में भी। वीट को मिल किया जाता है तो उसका मिनरल्स विटामिन रिमूव कर जाता है, फ्लोर को ब्लीच किया जाता है, केमिकलाइज किया जाता है। All dried fruits are heated in drying, bleached with sulfur dioxide, stored for long periods of time and finally stewed and mixed with white sugar before being eaten. तो इस प्रकार से various types of foods जो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है उसमें depletion आ रहा है, उसमें कमी आ रहा है, उसमें nutritious quality ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें हमारे जो है इससे माल नूरिशमेंट आ सकता है, इसे भोजन के कारण जो है न्यूट्रिशन के अभाव में माल न्यूट्रिशमेंट का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं ईटिंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग। इसे बताया गया है कि जो ऑल ओवर पूरे संसार में जो स्टैंडर्ड है खाने का वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बहुत तेज़ी से। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो क्वालिटी फूड नहीं खा पा रही है, कॉन्स्टेंट फूड। जैसे कि नाइजीरिया का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, तो इसे बताया जा रहा है कि रिलेटिव परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स दैट मेक अप द टोटल एनुअल फूड यूटिलाइज इन द कंट्री इन 1963 एंड देन इन 1990, लार्जेस्ट कंपोनेंट इज स्टार्ची रूट्स अबाउट 56% ऑफ द डाइट। 56% जो डाइट में स्टार्ची स्टार्च युक्त फूड था। 1963 बताया गया, 1990 बताया गया कि यह 67% तक बढ़ के गया। और कसावा जो है वो 1963 से 1990 में 1% बढ़ा। बताया जा रहा है कि 5.4% वेजिटेबल्स था, 3.5% फ्रूट्स था, 2% पीस था, बीन्स 1.6%, शुगर क्रॉप्स था, 1% मीट था, इवन लेसर अमाउंट्स ऑफ रिमेनिंग फूड क्रॉप्स। तो किस तरह से देख रहे हैं हम क्वालिटी जो है फूड का, हमारा जो डाइट है उसमें कितना
जो अमाउंट होना चाहिए, परसेंटेज जो होना चाहिए, वो कितना धीरे धीरे घट रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि डेथ ऑफ सॉइल इज डेथ ऑफ सिविलाइजेशन, बैड सॉइल इज बैड फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड द एविडेंस इज माउंटिंग दैट द वर्ल्ड सॉइल इज इन ट्रबल, वी आर डेड विदाउट गुड सॉइल, सॉइल होल्ड्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिटिकल टू लाइफ, विदाउट गुड सॉइल वी हैव गॉट नथिंग। तो इसको बता रहे हैं कि मिट्टी का जो क्वालिटी है वो अगर ख़राब हो गया तो उससे जो है हमें अच्छा अनाज नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, और ये आवश्यक तत्व अगर नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। पूरे संसार में बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में मोर देन 7.5 मिलियन एकर्स ऑफ सॉइल हैज बीन डिग्रेडेड, मोर देन 7.5 मिलियन एकर्स सॉइल हैज बीन डिग्रेडेड, इट इज लार्जर देन यूएस एंड कनाडा कंबाइंड। सोचिए इतना पूरे संसार में जो है सॉइल डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया है, ख़राब हो चुका है, जो कि पूरे यूएस और कनाडा के एरिया को मिला ले तो भी उससे ज़्यादा है। क्या क्या बचा है तो कंपैक्शन, इरोजन, असाइनेशन, और वहाँ पे प्लांट लगाना पॉसिबल है, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस और एयर पोल्यूशन दोनों ही बढ़ रहा है। अब बताया जा रहा है कि इससे ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे है। बताया जा रहा है केवल आज 11% जो दुनिया का संसार का जो लैंड है वो 6 बिलियन लोगों को भोजन दे रहा है। 11% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड फीड 6 बिलियन पीपल। एक्सपर्ट इस्टीमेट करते हैं 2030 तक जो है अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो 8.3 बिलियन तक पहुंचेगा, और फार्मर्स जो है किसानों को फूड प्रोडक्शन जो है 40% बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना हमारे पास मिट्टी है नहीं, जमीन है नहीं, सॉइल नहीं है, और साइंटिस्ट के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई वो उनके पास कोई समाधान नहीं है, और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। वन हू फीड्स द वर्ल्ड विक्टिम ऑफ हंगर अ केस स्टडी। इसका बताया जा रहा है कि फार्मर्स का क्या, किसानों का जो है क्या क्या दशा हो चुका है, जो पूरे दुनिया को भोजन दे रहे हैं वो खुद भोजन से, भोजन के अभाव में त्रस्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। जो लोग हैं वो लोग जो है वो खेती को छोड़ रहे हैं, लोगों को शर्म आ रहा है खेती करने में, और लोग बड़े बड़े कारखानों में जाकर काम कर रहे हैं खेती छोड़ के। जैसे कि पंजाब का यहाँ पे एग्जांपल लिया जा रहा है, इंडिया का एक स्टेट है पंजाब, वहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो गरीबी और कर्ज में डूबे हुए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है हरजीत सिंह, वो किसान है, और उसने ज़मीन जो है वो लीज पे लिया हुआ है, और उसको 32,000 रुपया लीज देना पड़ता है हर महीने, और उसको जो खेती से जो कमाई है वो 24,000 रुपये है। तो इस प्रकार से लोग जो है गरीबी में और कर्ज में डूबे हुए हैं, और बहुत बुरा हालत है किसानों का। बताया जा रहा है कि ये किसानों को, छोटे छोटे किसानों को जो है एक ज़मीन को जोतने में 25,000 से 35,000 रुपये टिल लगता है, खर्च लगता है उनको,
खेती में। और ये बहुत बड़े छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, वो छोटे छोटे किसान जो हैं, बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर मेल्टडाउन, द लास्ट स्ट्रॉ दैट वुड ब्रेक द डाइसन पैक्ट। तो इसे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो खेती है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, डायरेक्टर जनरल जैक स्टीओफ हैज कॉल्ड ऑन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा टू मेक द एराडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर अ प्रायोरिटी ऑन हिज एजेंडा एंड टू होस्ट अ वर्ल्ड समिट ऑन द इशू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। तो इसमें बता रहे हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन के जो हैं डायरेक्टर जनरल जैक स्टीओफ है, वो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को जो है वो बता रहे हैं कि संसार से हंगर को मिटाना जो है ये पहली प्रायोरिटी रखना चाहिए हमें और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से भोजन अनाज के ऊपर जो है वो दाम बढ़ रहा है, वो कारण बहुत सारे लोग जो है अंडर नूरिश्ड हैं। 923 मिलियन लोग जो हैं वो अंडर नूरिश्ड हो रहे हैं, वो उनको भरपूर पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है उनको। उसके बाद बात करते हैं जीएम जिनोसाइड का। जीएम जिनोसाइड क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनोसाइड, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड आफ्टर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इससे क्या हो रहा है, ये जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो किसानों को ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दे रहे हैं ताकि वो अपने अनाज को उपजा सकें, और लोग किसान जो है वो महंगे अमाउंट में इसको बेचते हैं बीज को किसानों को, और किसान जो है उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब ये काम नहीं करता है, ये बीज जो है काम नहीं कर पाता है और उनको अनाज उपज नहीं पाता है, तो वो गहरे कर्ज में डूब जाते हैं और इस कारण जो है काफ़ी किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और आत्महत्या करना पड़ता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा जो है समस्या था किसानों के लिए। उसके बाद आता है बायोफ्यूल्स एंड ग्रेन्स, रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्रॉन्स काउज कार्स प्लस मालथूज में है बीन राइट फॉर ऑल। इसे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फूड आउटलुक ऑफ द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से फूड भोजन की कमी हो रही है, अनाज की कमी हो रहा है, जिसके कारण जो है संसार में हंगर का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड का ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो हंगर है, और काफ़ी वास्ट अमाउंट में जो है हंगर का प्रॉब्लम जो है बढ़ते जा रहा है। और इसका बताया जा रहा है एशिया टेक्स अप अमेरिकन डाइट, इसे बताया जा रहा है कि एशियन कंट्रीज है जैसे चाइना है, उनका जो डाइट है वो बीफ है, वो चिकन है, जो कि
उससे क्या होता है कि एक बीफ या एक चिकन या एक जो है एक चिकन या एक बीफ को जो है उसको जो है देखभाल करने के लिए हमें करीब करीब 1 पाउंड जो है एनिमल फ्लेश हमें चाहिए, तो हमें करीब 16 पाउंड या एनिमल को जो है सोया या कॉर्न खिलाना पड़ता है ताकि हम 1 पाउंड जो है एनिमल फ्लेश प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 50 गुना ज़्यादा पानी लेता है। जितना कि अनाज में पानी खर्च होता है उसे 50 गुना ज़्यादा पानी खर्च होता है एक बीफ को प्रोड्यूस करने के लिए। और चाइना जो है यही काम कर रहा है, चाइना जो है वो अनाज उपजाता है ताकि वो बीफ जो है खा सके, बीफ को बीफ के प्रोडक्शन के लिए वो अनाज उपजाता है और इससे वो ज़्यादा अमाउंट में अनाज उपजा के अपने टेस्ट के लिए केवल अनाज अनाज जो है लार्ज अमाउंट में अनाज उपजाता है और बीफ खाने के लिए केवल। उसके बाद यूएस एंड यूरोप वी ड्राइव लेट द वर्ल्ड स्टार्व। यूएस एंड यूरोप में क्या हुआ है कि मीनिंग जो बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे यूएस एंड यूरोप में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो लैंड है उस लैंड पे बायोफ्यूल्स यानी कि क्रॉप्स से अनाज से जो है वहाँ पे बायोफ्यूल्स उगा रहे हैं, जैसे जैट्रोफा उगा रहे हैं जो कि बायोफ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। इससे क्या हो रहा है, इसे सॉइल का फर्टिलिटी रेट जो है धीरे धीरे घट रहा है, इसे घटता है बायोफ्यूल के कारण। जैट्रोफा के उपजाव से फिर इथानॉल बनाने में भी जो है इससे भी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल डिग्रेड होता है, सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड होता है। इसको बताया गया 2006 में जो है यूएस में कॉर्न क्रॉप जो है मक्का की जो उपज है वो इथानॉल बनाने में यूज किया गया, 50% राइज यानी एक साल में 50% जो है इंक्रीज हुआ और इससे प्राइस इसका जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया जो है वीट का कॉर्न प्राइसेस का। और मास हंगर बढ़ा तो इथानॉल बनाने के लिए जो है लोग ये मक्का उपजा रहे हैं और इसके कारण जो है जो यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हंगरी मासेस को फीड किया जाए, बल्कि ये इथानॉल को इसलिए उपजाया जा रहा है ताकि जो है बायोफ्यूल्स बना सके। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है बायोफ्यूल्स आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसमें यूएन का स्पेशल रिपोर्ट आता है राइट टू फूड का, जिसमें कि जीन जिंगलर जो है वो बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के ऊपर सस्पेंशन लगाते हैं। लोग जो है बर्निंग फूड टुडे सो हैज टू सर्व, अनाज उपजा रहे हैं ताकि उसे बायोफ्यूल बना के और गाड़ी मोटर चला सकें, तो इसके ऊपर सस्पेंशन किया गया। यूएन ने सस्पेंशन लगाया कि ये एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट और 5 साल का बैन जो है वो फूड बेस्ड बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन के ऊपर लगाया गया।
इस प्रकार से जो है आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। धन्यवाद।